एक ऐसा इंसान जिसको करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी उसने सारा पैसा अपनी कंपनी में लगा दिया और खुद सड़क पर आ गया। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क का जन्म 1971 पेट्रोरिया में हुआ। बचपन से ही इलॉन मस्क को काफी शौक था किताबों का और कंप्यूटर्स का। इलॉन मस्क बचपन से ही विजनरी रहे हैं। इलॉन मस्क एंड उनके भाई किम्बल ने एक कंपनी लॉन्च करी 1995 में, जिसका नाम Zip2 था। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। ये कंपनी जल्द ही कॉम्पैक को बेच दी गई एंड इससे इलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले। इतने पैसे मिलने पर कोई और होता तो वो जिंदगी भर मौज करता, बट इन्होंने इन पूरे पैसों को री इन्वेस्ट किया और एक और कंपनी खोली जिसका नाम रखा X.com। ये ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। कुछ बढ़िया चल रहा था, बट जल्द ही इस कंपनी का क्लैश हुआ कन्फिनिटी नाम की कंपनी से, क्योंकि दोनों कंपनियां सेम सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन मार्केट को देखते हुए इन दोनों कंपनियों ने आपस में हाथ मिलाया और बनी एक नई कंपनी जिसका नाम पड़ा PayPal। जी हाँ, PayPal की बात करें जो आज ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। PayPal को किसने बड़ा रूप दिया? जी हाँ, इलॉन मस्क ने। PayPal के जो CTO थे, चीफ टेक्नीशियन ऑफिसर, उसके साथ इलॉन मस्क की बहसबाजी हो गई। इलॉन मस्क CEO थे और वो पर्सन CTO। बहसबाजी इतनी ज्यादा हुई जब इलॉन मस्क हनीमून पर थे अपनी वाइफ के साथ, तो पीछे से CTO ने सारे बोर्ड को इकट्ठा किया और इलॉन मस्क को लात मार के बाहर निकाल दिया। हालांकि तब तक मार्केट में इलॉन मस्क का शेयर काफी ज्यादा हो चुका था, तो उससे इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। ये पैसे इतने होते हैं कि आपकी और मेरी सात पुश्ते इससे खाना खा ले। बट इलॉन मस्क बहुत ही बड़े विजनरी आदमी थे, वो यहाँ पर भी नहीं रुके। इलॉन मस्क को बचपन से ही साइंस का शौक था। उनका मानना था कि हम यहाँ पर अर्थ पर रहने के लिए पैदा नहीं हुए, हमें मार्स पर जाना चाहिए और वहीं पर हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए एंड वहीं पे ह्यूमंस को अपनी नई सिविलाइजेशन शुरू करनी चाहिए। इसके लिए इलॉन मस्क रशिया गए एंड वहां पे जाकर उन्होंने अपना पूरा प्रपोजल दिया लोगों को एंड उन लोगों को कहा कि मुझे एक ऐसा रॉकेट चाहिए जो मेरे लोगों को मार्स तक ले जाए। रशिया ने इनको एक डील दी और कहा कि आपके हर एक रॉकेट के $8 मिलियन लगेंगे। $8 मिलियन बहुत ज्यादा होता है एंड इलॉन मस्क को भी बहुत ज्यादा लगा। इलॉन मस्क ने कुछ नेगोशिएशन करने की कोशिश की, कुछ कम ज्यादा करने की कोशिश की, बट इससे रशिया ने उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। इससे इलॉन मस्क काफी दुखी हो गए और वापस रशिया से अपने घर आ गए। लाइफ में प्रॉब्लम सभी के आती है, बट जो हार ना माने उसी को इलॉन मस्क कहते हैं। दैट टाइम इनके दिमाग में आया कि ये कंपनी क्यों ना वो खुद ही बना ले। तो इन्होंने खुद से बुक्स से पढ़कर, बाय हैंड बुक से पढ़कर रॉकेट साइंस समझी और स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत करी। अब इस बात को जरा ध्यान से समझे तो ये बात सामने आती है कि अगर कोई एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उसका जो जितना भी मटेरियल, जो बूस्टर होते हैं, वो सबका सब स्पेस में वेस्ट जाता है। यानी जो उसका मेन एक ऑर्बिट होता है वही ऊपर जाता है एंड बाकी का सब हमारे आउटर अर्थ में घूमता रह जाता है। इसे बहुत बड़ा लॉस होता है और स्पेस में काफी गार्बेज भी होता है। इलॉन मस्क ने इसका सॉल्यूशन निकाला और बनाए रीयूजेबल रॉकेट्स, जिनको हम अगेन फ्यूल करके एक नेक्स्ट मिशन तक जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था, बट ये काम इतना आसान होने वाला नहीं था। इसके साथ ही इलॉन मस्क ने एक ऐसा रॉकेट डिजाइन किया जो अपने जिस पोजीशन से लॉन्च होगा वो उसी पोजीशन पे आके वापस खड़ा हो जाएगा, ताकि उसमें दोबारा फ्यूल भरो और नेक्स्ट मिशन के लिए हम जा सके। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं था। इसमें इलॉन मस्क को 3 बार मुक्की खानी पड़ी। पहली बार जब टेस्टिंग हुई तो वो रॉकेट आधा उड़ा और बीच में फट गया। सेकेंड बार जब टेस्टिंग हुई वो उड़ते वक्त ही फट गया एंड थर्ड टाइम भी उसके साथ सेम चीज हुई। 3 बार ये मिशन खराब होने से इलॉन मस्क पूरे के पूरे सड़क पर आ चुके थे। उनपे सिर्फ इतना पैसा बचा था कि वो एक घर में रह सके, बट इलॉन मस्क ने वो घर भी बेच दिया एंड वो सारा का सारा पैसा दोबारा अपने मिशन में लगा दिया। अब उन पर कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, या तो वो मिशन पास होता या वो मिशन फेल होता। अगर फेल होता तो इलॉन मस्क पूरे आज खत्म हो चुके होते। लकीली 2015 में SpaceX ने अपना मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया एंड वो रॉकेट उसी जगह से उड़ा एंड उसी जगह पे वापस आके खड़ा हो गया। इलॉन मस्क इतने विजनरी आदमी है कि ये बहुत बड़ा देख सकते हैं। आज ये टेस्ला, सोलर पैनल, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है। इलॉन मस्क को लोग यूं ही पागल नहीं कहते, इनको काफी लड़कियों के ऑफर भी आते हैं, लाइक कि सर आप हमसे शादी करिए, बट इलॉन मस्क उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इलॉन मस्क की टेस्ला कार की सेल इतनी ज्यादा होती है कि बाकी की जो कार होती है वो बिक भी नहीं पाती। टेस्ला अपने आप में एक रेवोल्यूशन है जो इलॉन मस्क लेकर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क भारत में भी आए थे अपनी टेस्ला कार का प्रमोट करने। इनकी कंपनी SpaceX ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इनको नासा से भी कॉन्ट्रैक्ट मिली एंड अब ये नासा के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, कार्गो हो गए, उनको स्पेस स्टेशन तक प्रोवाइड कराते हैं। तो एक छोटा सा इंसान जिसने इसके बारे में कभी सोचा था, आज वो लोगों को मंगल तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी एंड ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मैं आप लोगों तक ऐसी वीडियो लाता रहूं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके उत्साह जरूर बढ़ाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।